साहब मुबारक हो वजीर खजाना बनने पे। तो आज मुलाकात आपकी हो रही है नवाशी साहब से, क्या कहना चाहेंगे आपको? ये आज से 3 साल पहले मैं जिस दिन आना था यहाँ पे मियां साहब इधर आना था, जिस दिन उस दिन रात को मुझे नो फ्लाई लिस्ट पे डाला था। 3 साल तक इन्होंने ईसीएल पे रखा, आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से ईसीएल से निकला हूँ और फिर जा रहा हूँ अमेरिका। तो मैंने सोचा कि मियां साहब को सलाम करें पहले, ये हमारे लिए सारे मुस्लिम लीगों के लिए खुशी की दिन है और मेरे लिए खासतौर पर बहुत खुशी की बात है। मिफ्ता साहब, इस वक्त क्या पाकिस्तान की, अभी तो आप हुकूमत में आ गए, इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है? पीटीआई का दावा तो ये था कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान में महंगाई इस वक्त दुनिया के 3रे नंबर पर थी बड़े मुल्कों में, जो इकोनॉमिस्ट ने ट्रैक किया था अर्जेंटीना और टर्की के बाद। खान साहब ने जो कर्ज लिया है 20,000 अरब रुपए का पौने 4 साल में कर्ज लिया है, इसकी मिसाल ये है कि जो कर्ज 71 साल में लिया गया था लियाकत अली खान से लेकर नासिर उल मुल्क तक, उसका 71 साल में जो कर्ज लिया उसका 80% कर्ज इन्होंने पौने 4 साल में ले लिया। टैक्स अभी तक उतने टैक्स टू जीडीपी उतना कलेक्ट नहीं किया जितना हम छोड़ के गए थे। अखराजात बढ़ गए, जो आईएमएफ से वादे किए थे वादे वही जो लिख के दिए थे वो सारे वादे तोड़े हैं, कुछ जानबूझ के तोड़े हैं, कुछ नाअहली की वजह से तोड़े हैं। एक बड़ा इम्तिजाज है नाअहली और बदनवानी का जो खान साहब ने तारीख रकम की है। बहुत बड़ा चैलेंज भी आपके सामने आ गया, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह डॉक्टर साहब।